इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या देखना है, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज दी होंगी मोशन के रिलेटेड, उन सभी का कॉम्बिनेशन देखना है, उनका इंटर रिलेशन देखना है। सो फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, दीज इक्वेशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द यू वी टी ए एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडीज एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ बॉडीज विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये सारी जो क्वांटिटीज है वो मोशन ऑफ बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल की जाएगी विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है, उसके हाथ में एक बॉल है, जब उसके हाथ में बॉल तब उसकी जो वेलोसिटी है डेट इज अ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसकी शुरू की वेलोसिटी जो होगी उसकी वो कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद उसने बॉल को छोड़ दिया तो कुछ टाइम लेने के बाद वो नीचे आएगी, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। सो इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी जो उसकी चेंज हुई है वो किसकी वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ एक्सेलेरेशन। सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल इज नोन एज एक्सेलेरेशन। तो हियर यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, टी हमारा टाइम टेकन है जो उसने वेलोसिटी को चेंज करने में लिया है, और एक्सेलेरेशन हो जाएगी जो उसकी चेंज इन वेलोसिटी हुई है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडीज इज एस। हम डिस्टेंस को एस भी ले सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास जो रिलेशन दे रही है वो हमारे पास रिलेशन होता है वेलोसिटी और टाइम का। इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो होगी हमें वो दो चीजों के बीच में रिलेशन बताएगी, वो होगी हमारी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v हमारी पास हमारी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a इज एन एक्सेलेरेशन, t इज अ टाइम। अब इसकी हमने डेरिवेशन देखनी है, तो डेरिवेशन देखते हैं। कंसिडर अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी, एक बॉडी है हमारे पास, हमने कोई बॉडी ली हुई है, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कुछ यू, इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, डेट मीन्स उसने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज करना है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए आफ्टर टाइम टी, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है वो बॉडी आफ्टर टाइम टी, तो उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी किस में चेंज हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वी में, शुरू की वेलोसिटी यू, आफ्टर टाइम टेकन बॉडी ने एक्सेलरेट किया तो उसकी यू जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी फाइनल वेलोसिटी वी में। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है यहाँ पर, ये जो हमारी a है वो हमारी acceleration है। acceleration का क्या formula होता है, change in velocity with change in velocity divided by time taken, मतलब जो हमारी कोई भी object है उसने अपनी velocity को change किया है और कितने time में किया है, that is an acceleration। तो change in velocity यहाँ पर हमारी क्या हुई है, final velocity minus initial velocity। हम जब भी change in velocity निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, final में से initial को minus कर देते हैं, तो हमारे पास change आ जाता है कि कितना change हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या माना था, v, यहाँ पर v लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या माना था, u, यहाँ पर आ गया माइनस u, और डिवाइड बाय t इज अ टाइम। अब ये हमारे पास किसके इक्वल थी, a के, मींस इसको लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t, तो ये t a के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस u। हमने निकालना क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो हम इस v को इधर ही रखेंगे और u को क्या चलेंगे, u को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v is equals to u plus at। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन को हमने प्रूफ कर दिया विद वेरी सिंपल स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप को यूज किया हमने, एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट उठाया। एक्सेलेरेशन क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है, हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा, कितना चेंज हुआ है, डिवाइड कर दिया हमने टाइम के साथ, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v थी, इनिशियल हमारे पास u थी, और डिवाइड बाय t, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t। तो हमने t को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास d आ गया। ये आने के बाद हमने क्या किया, u को दूसरी साइड ले गई, तो हमारे पास जो हमें चाहिए था वो इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू u प्लस at, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमें क्या देती है वो, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टाइम। मतलब फर्स्ट में हमने देखा था रिलेशन दो चीजों के बीच में, वो थी हमारे वेलोसिटी और टाइम, लेकिन सेकेंड में जो हमारे पास रिलेशन है वो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन जो हमें सेकेंड इक्वेशन से मिलता है वो है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो एस है हमारा वो हमारा डिस्टेंस है, एस हमारा डिस्टेंस है, यू जो है फिर से हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, टी आपको पता है हमारा टाइम है ये, और साथ में ए हमारी एक्सेलेरेशन, एंड यहाँ टी फिर से हमारा टाइम।
मतलब ये सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो हमें देती है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। तो इसकी हम डेरिवेशन देखते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, और उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने ए मान ली, और टाइम हमारे पास टी है, और फाइनल में इसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास वी। सो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम बी एस, जो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन के साथ फॉर टाइम टी के लिए, वो हमारे पास एस है। सो डिस्टेंस हमने एस ले लिया, सो देयर फॉर एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। मतलब कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में किया है, वो हमारे पास एवरेज स्पीड होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, मतलब दोनों वेलोसिटीज को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है कि एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू थी प्लस फाइनल वी, तो डिवाइड कर दिए 2 के साथ। अब हमने लिखना है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पीड की जगह वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी की जगह हम क्या रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट रखेंगे, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस को हमने एस लिया था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एस, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने लिख लिया यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम। ये इक्वेशन यहाँ तक क्लियर हो गया। सो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट की थी वो हमारी क्या थी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यही वाली जो वी की वैल्यू हमने यहाँ पर यूज करनी है, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर हमने वी की जगह जो वैल्यू है पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यू एज इट इज आ गया, और प्लस जो v है, v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी, यहाँ पर हमने पुट कर दिया u प्लस ए टी, ये v की वैल्यू डिवाइड बाई 2 एज इट इज आ गया, और साथ में टाइम भी है। उसके बाद हमने क्या किया, ये u और u दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, ये t को उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, s इज इक्वल्स टू u प्लस यू प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, और साथ में एक t और है, ये दोनों u क्या बन जाएंगे, 2u प्लस ए टी, साथ में फिर से एक टी स्क्वायर बाहर और नीचे क्या है 2। अब उसके बाद क्या हो गया, इस टी को उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut बन गया यहाँ पर, और साथ में ए टी, एक तो टी बाहर है और एक अंदर भी है, तो दोनों मिलकर क्या बन गई, ए टी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से अगर अलग अलग करेंगे तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे और ये क्या रह जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2। तो हमने यही तो प्रूफ करना था, एस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आ गया ut प्लस ये हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन प्रूफ। एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। हमने किया क्या, पहले हमने कोई बॉडी लेट कर ली, सपोज कर लिया कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास u है, उसने कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बिफोर टाइम t के साथ उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, बॉडी ने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, u से किसमें चेंज होगी, v मींस इनिशियल से फाइनल में चेंज होगी, और फॉर टाइम t के लिए, और उसने कुछ s डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमने मान लिया कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, हमने इसमें उसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी यू थी प्लस फाइनल वी डिवाइड बाय 2। अब हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, यू प्लस वी डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम। तो यहाँ से फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही वाली v की वैल्यू हमने ऊपर यूज कर ली, वैल्यू पुट करने के बाद हमने सिंपली उसे पहले u को u के साथ ऐड किया, फिर जो बाहर t थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 2u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यही तो हमें चाहिए था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने आज क्या डिस्कस कर लिया, हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।